तो हम लोग जानते ही हैं कि पानी में बहुत सारे खतरनाक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसी ऑर्गेनिज्म में से एक है जेलीफिश। जो जेलीफिश है इसकी बॉडी में टेंटिकल्स और ओरल आर्म्स होती हैं। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। अब ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं इनमें एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं नेमाटोसिस्ट। जो नेमाटोसिस्ट है इसके अंदर एक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिट होता है और इसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉटल होती है वैसे ही इसको कवर करके रखता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑपोक्युलम। आप देख सकते हो कि इस नीडोसाइट में एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऑब्जेक्ट इस ट्रिगर को टच होता है तो क्या होता है कि ये जो ऑपोक्युलम है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही ये लिड ओपन होती है तो जो इसके अंदर कॉइल्ड थ्रेड है वो बाहर आ जाता है और बिल्कुल जैसे कि ड्रिल मशीन होती है उसकी तरह ये फॉरेन ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ नेमाटोसिस्ट। जो ये थ्रेड है उसके ऊपर स्पाइंस हैं, तो ये स्पाइंस भी प्रे की बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है। बहुत बार इनके ऊपर कोई टॉक्सिन भी कोटेड होता है जिसकी वजह से प्रे पैरालाइज हो जाता है या उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो नीडोब्लास्ट होता है इसे ऑर्गेनिज्म यूज करता है एंकोरेज के लिए, यानी किसी सरफेस से अटैच होने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए और अपना प्रीडेटर से बचाव करने के लिए, यानी कि डिफेंस के लिए। तो ये जो नीडोसाइट है जेलीफिश के केस में सिर्फ इसके टेंटिकल्स और ओरल आर्म्स में होती हैं, बट ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है जिसे हम बेल बोलते हैं उसमें नीडोसाइट प्रेजेंट नहीं होते। तो यानी कि अगर बेल को टच किया जाएगा तो किसी को भी कोई स्टिंग नहीं लगेगा, कोई शॉक नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के टेंटिकल्स में ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट, उन्हें हम प्लेस करते हैं एक फाइलम में जिसका नाम है नीडेरिया। और आज की वीडियो में हम इसी फाइलम के जनरल फीचर्स की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी। और आज हम बात कर रहे हैं फाइलम नीडेरिया की, जिसे हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया, नीडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इनके टेंटिकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर उसमें हमेशा स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट। नाउ नेक्स्ट फीचर इज कि ये सारे ही ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होंगे, चाहे मेराइन वाटर में मिले चाहे हमें फ्रेश वाटर में मिले। नेक्स्ट, हमेशा ये शो करेंगे रेडियल सिमेट्री, यानी कि बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है उससे काफी सारे प्लेस पास हो सकते हैं जो कि बॉडी को सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। नेक्स्ट कि ये सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो इनकी बॉडी है सिर्फ दो लेयर से आती है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म से, और बीच में मेसोग्लिया होगा। नाउ आप देख सकते हो यहाँ मैंने दो बॉडी फॉर्म्स बनाई हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो जो भी इनमें ऑर्गेनिज्म दिखेंगे या तो वो इस तरह के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, और अगर ये सिलेंड्रिकल है तो फिर ये मूवमेंट नहीं शो करते पॉलिप्स, तो इनको हम कहते हैं कि ये सेसाइल होते हैं। ये मूवमेंट नहीं शो करते, एक सबस्ट्रेट से फिक्स हो जाते हैं, जैसे पोरीफेरा में बताया था वो सेसाइल होते हैं। सेम कहानी है यहाँ पे भी पॉलिप फॉर्म के लिए। पर ये जो मेड्यूसा फॉर्म है ये फ्री स्विमिंग होती है, जैसे अभी आपने जेलीफिश देखी है तो पानी में वो मूव कर सकती है। तो जो मेड्यूसा फॉर्म है वो कैसी होती है, हमेशा फ्री स्विमिंग फॉर्म, और शेप क्या है, अम्ब्रेला लाइक इसकी शेप है। अब यहाँ पे डिप्लोब्लास्टी का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली ये जो ब्लैक कलर में मैंने आउटर लेयर बनाई है जिसे एपिडर्मिस लिखा है, वो दोनों केसेस में किससे आई है, एक्टोडर्म से। इसी तरह ये जो इनर लेयर है मैंने रेड कलर से बनाई है, ये किससे आई है, एंडोडर्म से। तो जो एंडोडर्म है वो किसको सराउंड करता है, गट कैविटी को, ऐसे बढ़ते हैं मेन जनरल, ठीक है। और दोनों के बीच क्या होगी, मेसोग्लिया होगी क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है। नाउ ये जो कैविटी है जिसको सराउंड कर रहे हैं इस केस में एंडोडर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिंस इस कैविटी को हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं इसलिए फाइलम का जो नाम है सीलेंट्रेटा भी दिया गया है। तो ये जो सीलेंट्रॉन है ये गट कैविटी तो है, यानी कि यहाँ पे फूड एंटर करेगा थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम इन बोथ दी केसेस। हाइपोस्टोम से फूड तो एंटर करेगा, डाइजेस्ट तो होगा यहाँ पे,
और उसके बाद इनफेक्ट क्या होता है कि जो वेस्ट होता है ना वो भी इसी कैविटी से बाहर आता है, यानी कि ये जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट टाइप का है, क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग है इंजेशन और इजेशन के लिए। तो इस तरह की बॉडी फॉर्म हमें किसमें दिखती है, निडेरिया में। तो बेसिक लेवल पे हमने जान लिया कि दो बॉडी फॉर्म है, पॉलिप या मेड्यूसा, पर ये जो है सॉलिटरी हो सकते हैं या फिर ये कोलोनियल हो सकते हैं। जैसे कि जो हाइड्रा है, सी एनीमनी है, ये सॉलिटरी पॉलिप्स हैं। इसी तरह जो जेलीफिश है ये सॉलिटरी मेड्यूसा है, पर कुछ कोलोनियल केसेस भी होते हैं, यानी कि झुंड में रह रहे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है पेनाचुला का, जिसे हम सी पैन कहते हैं, तो ये एक कोलोनियल फॉर्म है, इसमें बहुत सारे पॉलिप्स हैं जो कि रहते हैं एक साथ। इसी तरह जो कोरल्स हैं वो भी मोस्टली कोलोनियल होते हैं। कुछ कोरल्स हैं जो कि सॉलिटरी होते हैं, जैसे कि फंजिया। तो जो कोरल्स हैं वो मोस्टली कोलोनियल होते हैं और पॉलिप्स की बनी होती है कॉलोनी। तो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पॉलिप है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, दोनों के बीच में एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम होता है सीनोसार। सबसे स्पेशल फीचर जो देखा गया है कोरल्स का वो ये होता है कि ये एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं। जो एपिडर्मिस है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करती है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आर्गोनाइट या कैल्साइट की फॉर्म में हो सकता है। ओवर टाइम जब इस तरह से कॉलोनी आगे बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि कोरल रीफ फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोरल्स हैं ये काफी कलरफुल होते हैं। तो ये इतने कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनके सेल्स हैं इसमें एक स्पेशल तरह की एल्गी रहती है, जिसे हम बोलते हैं जूजेंथेली। तो डिपेंडिंग कि ये जो जूजेंथेली है इसमें किस तरह के पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं कोरल के। तो जो कोरल रीफ्स हैं इनफैक्ट वो एक काफी इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अब एक और कोलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है फाइसेलिया, जिसे हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इसका अपर स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल बोलते हैं, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल पोर्तुगल में जो वॉरशिप्स यूज होती थी उसके जैसी है। तो यहाँ से नाम आया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये जो आप सेल देख रहे हो ये अम्ब्रेला शेप की है, तो ये मेड्यूसा है, पर इसके नीचे ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं एक तरह के पॉलिप। तो तीन तरह के इसमें पॉलिप्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये ऐसी कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है जिसमें पॉलिप्स और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट हैं। अब निडेरिया के अंदर ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर पॉलिप फॉर्म भी दिखेगी हमें और मेड्यूसा फॉर्म भी दिखेगी। आपस में वो फॉर्म्स एसोसिएटेड नहीं होंगी, इंडिविजुअली दिखेगी, फाइसेलिया वाला केस नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या देखा गया है कि जो पॉलिप फॉर्म है, जो सिसाइल फॉर्म है, वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है और फ्री स्विमिंग मेड्यूसा बना देती है। जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और अंत में रिजल्ट क्या होता है कि पॉलिप फॉर्म बना देती है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, और इसे हम ओबीलिया ऑर्गेनिज्म में समझेंगे। तो अब आप ये डायग्राम देखो, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम मैं दिखा रही हूँ ये ओबीलिया की पॉलिप फॉर्म का डायग्राम है। इनफैक्ट ये खुद एक कोलोनियल पॉलिप है जिसमें दो तरह के मेजर पॉलिप्स हैं। पहले पॉलिप का नाम है गैस्ट्रोजोइड्स, जो कि प्रे को पकड़ने के लिए और फीडिंग के लिए यूज होता है पूरी कॉलोनी में। और दूसरी फॉर्म का नाम है गोनोजोइड, ये ऐसा पॉलिप है जिसके अंदर बडिंग होगी और एसेक्सुअली ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा। तो गोनोजोइड से जो मेड्यूसा बाहर आते हैं वो या तो मेल मेड्यूसा हो सकते हैं या फीमेल मेड्यूसा। जो मेल मेड्यूसा है वो मेल गेमिट्स बनाएंगे और जो फीमेल मेड्यूसा है वो फीमेल गेमिट बनाएंगे। दोनों ही गेमिट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है, यानी कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है लार्वा के अंदर। इस लार्वा को हम बोलते हैं प्लैन्यूला लार्वा, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप की है। अब ये जो प्लैन्यूला लार्वा है जब इसे सुटेबल सबस्ट्रेट मिलता है तो ये उसके ऊपर सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद ये डिवाइड करता है, ग्रो करता है,
और डेवलप हो जाता है एक सिंपल पॉलिप में, जिसे हम हाइड्रोला बोलते हैं। अभी ये एक सिर्फ सिंगल टाइप का पॉलिप है। टाइम के साथ ये जो हाइड्रोला है ये भी ग्रो करता है और एक पूरी मैच्योर पॉलिप की कॉलोनी बना देता है जो कि ओबेरिया में दिखती है। तो ये थे बेसिक फीचर्स फाइलम निडेरिया के। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब इस एनिमल किंगडम के नेक्स्ट पार्ट्स आए तो आपको इजीली नोटिफाई हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, अडियोस।